डॉक्टर अमित अरोड़ा, डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता, extending your time and your warm thoughts to everyone. Yes. Special secretaries, director Tammy Ventura, Dr. Mrs. Madana, और बाकी भी जितने पदाधिकारी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, और आप सब लोग जो कि 30 वर्षों तक तपस्या करके एक अग्नि परीक्षा पास करके आज यहां आ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि पीसीपीएनडीटी एक्ट अपने आप में एक ड्रेकोनियन एक्ट है, लेकिन उसके फ्रूट्स बहुत मीठे हैं सोसाइटी के लिए। इट इज अ वंडरफुल एक्ट। लॉ इज ब्रूट बट द लाइफ इज टेंडर। व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन लॉ एंड लाइफ, लाइफ शुड प्रिवेल। व्हेनेवर वी आर डूइंग अल्ट्रासाउंड, वी आर लुकिंग एट द लाइफ। Whenever an inspection is being done, the law takes over. And that's where the Agni Pariksha starts. All the authorities, madam, I'll have your attention, please. All the authorities, state authority, appropriate authority, central authorities, should also look at the intent of the doctor performing various procedures. Law can be made, but our society has varied number of people. हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न भिन्न प्रकार की महिलाएं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। ये कह देना बहुत सरल हो सकता है कि रेफरल फॉर्म के ऊपर इंडिकेशन लिखा होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो रेफरल फॉर्म आता है उस पर इंडिकेशन नहीं लिखा होगा। और अगर हम लॉ को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अडियर करने लग जाएंगे तो शायद अल्ट्रासाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो चमरा जाएगा। सो अभी आई विल टेक ओवर फ्रॉम फॉर जस्ट शॉर्ट पीरियड। सर ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। लुक एट द इंटेंट। ओके, सो एवरीवन हैज टू लुक एट द इंटेंट रादर देन सेइंग कि उसने चोरी की तो मैं भी चोरी करूंगा। विल नॉट प्रूव एनीथिंग। दैट विल डिफाई द होल इंटेंट ऑफ दिस वर्कशॉप। Okay, I myself am a doctor and you are all my professional colleagues, so are you sir, but I always say, he says you have to give, what did you say, priority to life over law. Yes. Law is for life. Law always gives preference to life over everything else. So you are trying to bifurcate certain things which are in sync with each other. So don't try to do those things. बाकी खाल मत निकालिए। ये जहां पर भी हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, मैं मेरे ख्याल से पिछले 30-35 साल से सब लोग को समझाती आ रही हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन सेव्स यू ऑलवेज, एंड दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस वर्कशॉप। लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दोस। आई विल हैंड ओवर अगेन टू सर, बट ओनली फॉर वोट ऑफ थैंक्स। दिस इज नॉट अ फोरम फॉर डिबेट। वी आर ऑल ओपन टू डिबेट। वील अरेंज अनदर फोरम फॉर डिबेट, बट नॉट राइट नाउ। But I would like to once again thank Dr. S.K. Gupta, and I would also again request him to continue his vote of thanks, because I will absolutely not hinder anybody presenting their views. But I am open to debate every time. All of you are welcome to the directorate. Come and do as much debate as you want to, because that only increases my knowledge.
So thank you so much, sir, for starting. And now please continue with the vote of thanks. And last but not least, एक छोटा सा मुझे भी दे देना. Madam has requested me to continue with the vote of thanks. मैं हृदय से आभारी हूं और हमारे सभी में कितना हृदय से आभारी हैं इन सभी अथॉरिटीज का, क्योंकि इनके हाथों में एक समाज का ऐसा कलश निर्माण करने का दायित्व तो रहा जिसके अंदर एक रूपता हो, एक समानता हो, जो सिमेट्रिकल. और हमें मालूम है कि ये सब लोग लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज के बीच में और हमारे बीच में एक बफर का काम करते रहे. ये बाहर से हमें थपथपाते रहे लेकिन अंदर से हमें सहलाते रहे. आइए सब मिलकर इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाएं. और एक शब्द हमारे उन साथियों के लिए जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उत्तीर्ण नहीं हो पाए. मैं ये मानता हूं कि वो सब बहुत ज्ञानवान गुणवान और उन्होंने भी हमारी इतनी ही तपस्या की है. मैं अथॉरिटी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि उनके लिए भी एक लीनियंट व्यू अपनाएं और उनको भी इस फोरम तक आने का निमंत्रण मिल सके, ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाए. धन्यवाद. इन शब्दों के साथ